हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल में। सो है गाइस, तो काफ़ी सारा कमेंट मुझे पढ़ने को मिलता है कि सर ठाकुरगंज से जो पवाखली में जो न्यू रेलवे स्टेशन बना है, क्या ठाकुरगंज से पवाखली के लिए कोई ट्रेन चालू हुआ है या नहीं हुआ है। सो आज के वीडियो के अंदर यही ठाकुरगंज टू पवाखली के लिए ही रिलेटेड ये वीडियो है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का ये कि ठाकुरगंज से पवाखली के लिए कोई भी ट्रेन चलता है या नहीं, या फिर कब से चलेगी, या चलता है तो गाड़ी नंबर क्या है, टाइम टेबल एंड टिकट किराया क्या है। सो सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को ऑल जरूर दबाना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है गाइस, तो मैं बता दूं कि ठाकुरगंज से पवाखली के लिए फिलहाल कोई भी ट्रेन नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है ठाकुरगंज से पवाखली तक जाने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी पवाखली रेलवे स्टेशन में काम चल ही रहा है, इसके कारण अभी सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी रनिंग में है, मालगाड़ी ही आता जाता है अभी रेलवे की सामान को लेकर ही। तो अभी फिलहाल जो है ठाकुरगंज से पवाखली के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। जैसे ही ट्रेन ठाकुरगंज से पवाखली तक आना जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना होगा, ताकि बहुत ही जल्द जो जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है। तो बहुत ही जल्द अगर आप लोगों को चाहिए कि ठाकुरगंज से पवाखली के लिए ट्रेन रिलीज हो जाना चाहिए, तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस और कमेंट कीजिएगा, ताकि ये वीडियो रेलवे मंत्री उनके कार्यकर्ता तक पहुँचेगा, तो बहुत ही जल्द ठाकुरगंज से पवाखली के लिए कोई ना कोई ट्रेन रिलीज कर देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे ही ट्रेन रिलीज हो जाता है तो उसका टाइम टेबल एंड गाड़ी का लाइन रूट टिकट किराया सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जानने को मिल जाएगा सबसे पहले। सो आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छे से समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।